नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। तो दोस्तों, आज सोने और चांदी में हुआ फिर भारी बदलाव। तो आज का ताजा भाव जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तथा रोजाना सोना चांदी का ताजा भाव जानने के लिए सबसे पहले अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोग देख सकें। और एक प्यारा सा लाइक करें, क्योंकि एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो आप जानते हैं आज चांदी का भाव सराफा बाजार में क्या है। तो आज 1 ग्राम में 58 रुपया, 8 ग्राम में 464 रुपया, 10 ग्राम में 580 रुपया, 100 ग्राम में 5,800 रुपया, तो 1 किलो का 58,000 रुपया है। तो आज 1 किलो चांदी का भाव 58,000 रुपया और कल था 56,500 रुपया। तो दोस्तों, आज 1 किलो चांदी में 1,500 रुपया आज चांदी महंगी हुई है। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने का भाव आज सराफा बाजार में क्या है। तो आज 1 ग्राम में 4,720 रुपया, 8 ग्राम में 37,760 रुपया, 10 ग्राम में 47,200 रुपया, तो 100 ग्राम का 4,72,000 रुपया है। तो आज 22 कैरेट सोने में 1 तोले का भाव 47,200 रुपया और कल था 47,100 रुपया, तो 100 ग्राम में 1,000 रुपया, 10 ग्राम में 100 रुपया। 22 कैरेट के हिसाब से आज सोना हल्का सा महंगा हुआ है। अब जानते हैं 24 कैरेट सोने का भाव आज सराफा बाजार में क्या है। तो आज 1 ग्राम में 5,149 रुपया, 8 ग्राम में 41,192 रुपया, 10 ग्राम में 51,490 रुपया, तो 100 ग्राम का 5,14,900 रुपया है। तो आज 24 कैरेट सोने में 1 तोले का भाव 51,490 रुपया और कल था 51,380 रुपया, तो 100 ग्राम में 1,100 रुपया, 10 ग्राम में 110 रुपया। 24 कैरेट के हिसाब से आज सोना हल्का सा महंगा हुआ है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।